तो गाइस शुरू करते हैं कपल्स क्लब की पार्टी का सबसे खास राउंड। आइए आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। चलिए कम ऑन। और अब शुरू होगा हमारा फाइनल राउंड जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि नहीं? और ये राउंड का नाम है वाइफ स्वैपिंग राउंड। यानी कि एक की बीवी दूसरे के पास, दूसरे की तीसरे के पास और तीसरे की पहले के पास। और हम पार्टनर्स का सिलेक्शन भी बड़े ही अनोखे और सेक्सी अंदाज में करने वाले हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो अपनी अपनी ब्रा निकालकर इस बॉक्स में रखेगी। आपको एक एक करके इस बॉक्स में से ब्रा निकालनी है। सिंपल, जिस भी लड़की की ब्रा आपके पास आएगी वो लड़की आज रात के लिए आपकी, चाहे वो किसी की भी बीवी हो। एंड एक्साइटिंग। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें भी एक ट्विस्ट है। हम सारे हस्बैंड्स की आंखों में पट्टी बांधी। इसका मतलब ये है कि आप देख नहीं सकते हैं कि आपने किसकी ब्रा निकाली है। सो लेडीज, आर यू रेडी? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। यस। हाँ, दिख तो नहीं रहा ना आप लोगों को? हाँ, अरे बाय द वे मुझे कौन बांधेगा? कोई बात नहीं, मैं ही बांध देता हूं। मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूं। ओके लेडीज, 1 2 3 स्टार्ट। So ladies, are you ready? Absolutely. चलिए देखते हैं आज रात किसकी किस्मत में कौन निकलता है। नंबर वन, आप एक ब्रा उठाइए। ये किसकी है? क्या बात है, ये आप पकड़े रखिए। आप एक ब्रा निकालिए। ये किसकी है? क्या बात है, क्लैप। नंबर थ्री, ये किसकी है? क्या बात है, आपको अपनी पार्टनर मिल गई। ये किसकी है? क्या बात है, बहुत लकी है आप। अब बचा मैं, देखते हैं मेरी किस्मत में कौन लिखा है। और ये रहा मेरी किस्मत का फैसला। It's yours? Yes. क्या बात है। चलिए गाइस, मैं तो चला। सी यू गाइस लेटर, हैव अ नाइस टाइम। जब मैं बॉक्स में हाथ डाल रहा तो मना रहा था कि तुम्हारी ब्रा मेरा हाथ का है। अब देखो, मेरी दुआ को बोलो, तुम मेरी बाहर में। हाँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। I also like you. एक बात बोलो, मैं बहुत देर से तुम्हें ही देख रहा था। मैं चाहता था कि आज रात मेरी पार्टनर तुम ही बनो। लाए, सारी मील्स एक जैसे होते हैं। नहीं, कसम से।
क्या भाई, कब से बैल बजा रहे हो? अरे भाई, कितनी पी ली थी रात में? नहीं, ज्यादा नहीं पी थी, मेहनत थोड़ी ज्यादा हो गई थी रात। अच्छा जाओ, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, दोपहर के 2 बज गए हैं। 2 बज गए? हाँ। टीना कहाँ है? टीना? टीना यही तो थी। ये कहाँ चली गई? ये टीना कहाँ चली गई? ये मैं बताऊंगा या तुम बताओगे? हाँ, अरे रात में तो तुम्हारे पास ही थी। हाँ थी, पर शायद घर चली गई। अरे ऐसे कैसे जा सकती है बंद कमरे से? हाँ, एक मिनट। फोन तो यहीं पे। सच बता, क्या किया तूने उसके साथ? हाँ, अरे मैं कुछ क्यों करूंगा? कमरा अंदर से बंद था, वो कहां जा सकती है? तूने ही कुछ किया, बता बता, मैं तेरी जान ले लूंगा। साले, बता कहां है वो? अरे हटो तुम, बता कहां है वो, बता। हेलो पुलिस, मिस्टर मैनेजर, आप भी सस्पेक्ट हैं। आप शहर से बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते और जब भी बुलाया जाएगा आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। ओके ओके। सर, क्या रिश्ता था आपका उस लड़की के साथ? क्या जानते थे सर? आप कुछ तो बताइए सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अमित भार्गव को यहाँ से ले जाया गया है। साउथ मुंबई के 5-स्टार होटल ब्लू डायमंड में आज रहस्यमयी तरीके से एक और लड़की गायब हो गई। शक के दायरे में है अमित भार्गव नाम का बड़ा बिजनेसमैन, जो कि उसके साथ रात बिता रहा था। 2 महीने में किडनैपिंग और सस्पेक्ट मर्डर की ये 5वीं घटना है। अब लगता है महाराष्ट्र सरकार जल्दी इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी। कैमरामैन विपिन के साथ रिपोर्टर रिया भारद्वाज, न्यूज चैनल क्राइम अपडेट के लिए। भाई ये बंद कमरे में से लड़की गई तो गई कहाँ? कहीं नहीं गई होगी यार, हो ना हो ये समित भार्गव की चाल है, मुझे तो पूरा यकीन है। चलो अच्छे से चेक किया? यस सर, और मैनेजर का कहना है कि वो रूम अंदर से लॉक था, उसमें सिर्फ अमित था। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्जेक्टली सर, सर मुझे तो लगता है कि ये उसी अमित भार्गव का ही काम है जो उसके साथ में रात में था। हाँ सर, उसी लड़की को मार के फेंक दिया होगा और फिर आके रूम सो गया। अरे सर, ये सीधे सीधे ओपन एंड शट केस है। कटक, कभी कभी कुछ चीजें ओपन एंड शट दिखती हैं लेकिन उतनी सिंपल होती नहीं। इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अमित भार्गव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आ रहे हैं। तो फिर आप ही बताइए सर, इस केस को कैसे हैंडल करना है? ये केस है हाई प्रोफाइल और बहुत ही उलझा हुआ है और मेरी नजर में एक ही व्यक्ति है जो इसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसे कॉल करूं या ना करूं डर लगता है। सर, ऐसा कौन है जिससे आपको डर लगता है? We'll be right back.
फ्लाइट का टाइम हो गया, आई शुड लीव। क्या पर क्यों? ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं आपकी बात करती हूँ। पुलिस स्टेशन में हीरोइन? भाई तू नया, इसलिए तुझे पता नहीं है। वो कोई हीरोइन नहीं है, एसीपी है, एसीपी चिंगारी चौबे। पता किसकी बेटी है? वे किसी की भी हो, अरे अगर इतनी हसीन एसीपी हो तो मैं तो ड्यूटी पर ओवरटाइम भी कर लूं, दिन में भी और रात में भी। चौरसिया, नाइस नेम। थैंक यू। मैं तुम्हें प्यार से एम से बुलाऊंगी। जी थैंक यू मैम, वेलकम। वैसे एम सी का फुल फॉर्म पता है क्या तुम्हें? महाचूतिया। एमसी का एक दूसरा फुल फॉर्म भी है, उस नाम से बोलो। नो मैम, नो। विसन, सुधर जा। तेरा ये जो डंडा है ना, वो तेरे नीचे से डालूंगी और मुंह से निकालूंगी, क्या समझा? जी मैम, सॉरी सॉरी। सॉरी। ये ले पसीने पूछ ले भाई, कुछ चिंगारी नहीं, आग है आग। अच्छे अच्छों की फटती उससे। पापा ये क्या हरकत है यार, इस तरह से बुला लिया आपने मुझे? 4 बजे की फ्लाइट है मेरी। नो पापा, हियर ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है एंड आई एम योर सीनियर ऑफिसर हियर, कमिश्नर मोहन चंद्र बालकृष्ण चौबे। ओके आई एम सॉरी, कमिश्नर मोहन चंद्र बालकृष्ण चौबे सर, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरी छुट्टियां क्यों कैंसिल की? पहले से पुलिस में रहते हुए छुट्टियां नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से 6 महीने बाद 10 दिन की छुट्टी मिली थी, वो भी आपने कैंसिल कर दी। करनी पड़ी, एक ऐसा उलझा हुआ केस आया है जिसे सिर्फ तुम सॉल्व कर सकते हो चिंगा। पापा सॉरी सर, 4 बजे की मेरी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट है, आई हैव टू लीव। यहाँ पूरे मुंबई पुलिस की रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है और तुम्हें फ्लाइट की पड़ी हुई है। डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ओके बताइए क्या केस है? Here it is.
ये फाइल तुमने बनाई? यस मैम। आओ मेरे साथ। तुम भी। यस मैम। फॉलो मी। इस होटल को सील करो। यस मैम। और फॉरेंसिक वाले को भी बुला लो। ओके मैम। किसी भी चीज पे हाथ मत लगाना। बोला था ना हाथ नहीं लगाने का। मैडम हम बता रहे हैं ये लड़की कहीं गायब नहीं हुई है, कि समित भार्गव ने उसे गायब किया। बताता हूँ।